है कि पाकिस्तान और भारत ने एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की हुई है 1960 से कराची में, जो नेहरू साहब और पाकिस्तान के सबक सदर अयूब साहब ने साइन की थी। अब इंडिया ने ये कहा है कि और ये ऑफर किया पाकिस्तान को कि वो आए टेबल पे और अमेंड करें इस ट्रीटी को। अब पाकिस्तान को इसको जवाब देना है और अगले 90 डेज में देना है। इंडिया ने बेसिकली नोटिस भेजा पाकिस्तान को कि ये नंबर दो, आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी आईटी इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ममालिक में उन्होंने अपना इस हवाले से नाम जो है वो कायम किया है। वहाँ पे जो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट है वो सिक्योर करिए अपने पीपल को, अपने सिर्फ एक ही ये चीज़ बताई गई है जी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है, जबकि ये चीज़ गलत है। दो कौमी नज़रिया की जो बुनियाद है, अगर उसको सिर्फ हिंदुस्तान के साथ या सिर्फ हिंदू मज़हब के साथ या इंडिया के साथ जोड़ा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। हम जो बरसगीर के लोग थे वो बेसिकली थे जुनूनी, इमोशनल थे, ठीक है। अब वो जो इमोशनल या जुनूनी पानी सिर्फ पाकिस्तान में रह गया, इंडिया ने खत्म कर लिया, ठीक है। तो वो पाकिस्तान जो है वो इसी जुनून रही रहेगा, हम 65 की जंग जीते, हम 71 की जंग जीते। लेकिन आपको लगता है कि हम सारी जंगें जीते? अब मुझे, मैं ये बात सच बोल दूंगा तो यहाँ पे काला बिगो आ जाएगा। और इंडिया में आपको एक बात बता दूं, हमारे एशिया में अगले चंद ही सालों में जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा तरक्की करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। वाटर ट्रीटी जो है, उसका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ये पिछले 5 साल से पड़ा हुआ है और इस्लामाबाद को उन्होंने कहा कि आए आप पाकिस्तानी हुकूमत को कहा कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन जो है वो अगले 90 दिन में शुरू करें। भारत ने आज छुई एक नई ऊंचाई, मतलब एक नया कीर्तिमान बनाया, हाइपरसोनिक मिसाइल का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल आज इंडिया ने टेस्ट किया। ये टेक्नोलॉजी आज इंडिया के पास, तीसरा कंट्री है इंडिया जिसके पास ये टेक्नोलॉजी आई है इससे पहले। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को 90 दिन के लिए एक नोटिस जारी किया इंडस वाटर ट्रीटी के लिए। अगर पाकिस्तान 90 दिन के अंदर कोई रिस्पांस नहीं करता है तो इंडिया वो इंडस वाटर ट्रीटी को बदलाव कर देगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान डिस्कशन कर रहा है कि एक तो हमारे ऐसे ही हालत खराब है, ऊपर से इंडिया ने 90 दिन का नोटिस दे दिया। आइए और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। है कि पाकिस्तान और भारत ने एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की हुई है 1960 से कराची में, जो नेहरू साहब और पाकिस्तान के सबक सदर अयूब साहब ने साइन की थी। अब इंडिया ने ये कहा है कि और ये ऑफर किया पाकिस्तान को कि वो आए टेबल पे और अमेंड करें इस ट्रीटी को। अब पाकिस्तान को इसको जवाब देना है और अगले 90 डेज में देना है। इंडिया ने बेसिकली नोटिस भेजा पाकिस्तान को कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, उसका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ये पिछले 5 साल से पड़ा हुआ है और इस्लामाबाद को उन्होंने कहा कि आए आप पाकिस्तानी हुकूमत को कहा कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन जो है वो अगले 90 दिन में शुरू करें। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया ने ये इस ट्रीटी में अमेंडमेंट की बात की है और इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो एक्ट है वो कोई अच्छा नहीं है। सो एंड सो, अब ये जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं ना कि ये थिंग्स आर मूविंग। और ये जो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल 2015 में ये कहा था कि कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए जो इस हवाले से, लेकिन वो चीज़ें उस तरह ना चल सकें जिस तरह चलनी चाहिए थी। सो जो मुझे समझ आ रही है, जो मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ, वो जो शहबाज शरीफ साहब ने UAE में बात की थी, वो बेसिकली बात उनसे करवाई गई थी और अमारातियों ने ही करवाई थी। और अमारातियों ने ये कहा था कि तुम गाल करोगे तो मॉल बनाओ, तुम मॉल बनाओ, देन वी विल पुश इंडियंस कि वो चीज़ें जो है वो मैनेज करें। सो आई थिंक दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड ऑल दैट। एंड द न्यू आर्मी चीफ आल्सो प्लेड अ रोल, बिकॉज नए आर्मी चीफ भी आई थिंक 3 दिन के बाद दौरे पे UAE में थे और वहाँ पर भी जो है वो बोला। सो ये जो चीज़ है, ये इट सीम्स के थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। और इंडिया का इस हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी पे बात करना, ये बात चलना चाहिए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है उसको बुलाया जाए। देखिए, जब बात होनी होती है तो बात फिर ये नीचे लेवल से इस तरह शुरू होती है, ठीक है जी, कि जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर बात हो, जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बुला लो। अब ये जो चीज़ है, इसका मैं ये मुखसमा जो है ये कोई इस तरह समझ नहीं अभी आ रही कि ये किस तरह का दावतनामा होगा कि वज़ीर ख़ारजा के साथ वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ मेकिंग अ केस। अब इसमें जैसे वो कहते हैं ना कि इसमें देर इज़ अ लॉट ऑफ मीट इन द स्टोरी, कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चाहता जो कि उनको जाना चाहिए, उनको इसको ना नहीं करना चाहिए, उनके पास ऑलरेडी कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन उनको जाना चाहिए, चीज़ें मामला बेहतर करने चाहिए। और इंडिया फैक्टर भी ज़रा समझें इसमें, इंडिया भी सारी चीज़ें जो है वो क्यों कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया, अगर लेट्स से मैंने आपको कहा था कि अमारातीज़ हैव मोर इन्फ्लुएंस, रिसेंटली जब ये बात चली UAE की, तो सम एलिमेंट्स इन इंडिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि दाऊद इब्राहिम जो है ना उसकी को बात शुरू हो गई, और दाऊद इब्राहिम और कोई उसकी पता नहीं क्या कौन रिश्तेदार, तो भाई चलिए इसको नीचे करें। प्राइम मिनिस्टर आ चुका है पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट, कि वो कोई भी फैसला कर सकता है, वो सिर्फ अगर इकोनॉमिकली फॉल्टर नहीं करता, वो अगर इकोनॉमिकली कहीं नहीं गिरते, तो नरेंद्र मोदी के पास इस वक्त एक मजबूत पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद है। और जिस तरह वो उन्होंने वो जो ब्रांडिंग कर रहे हैं इंडिया की, जिस तरह वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और जिस तरह वो जो अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो सक्सेस है उसे डोमेस्टिक नैरेटिव में ट्रांसलेट कर रहे हैं एंड जनरल पब्लिक उसको बाय कर रही है, अलग इंडिया के हिस्ट्री पढ़ाते हैं कि भाई उन्होंने ये कर दिया, रात के अंधेरे में उन्होंने मकारी के साथ हमला कर दिया, मतलब नफरत क्यों, आपको लगता है कि ऐसे है या नहीं? सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सी मुतालिया पाकिस्तान है जो हम पढ़ रहे हैं, आया कि वो हकीकी मुतालिया पाकिस्तान है जो हम पढ़ रहे हैं?
ठीक है, आप उर्दू के स्टूडेंट हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, बताएं हम वो हकीकी पढ़ रहे हैं या वो नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि हम वो हकीकी, जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किताबों में दर्ज है और हकीकत में उस चीज़ का इतलाक मेरा ख्याल ना है और नामुमकिन है, पाकिस्तान में कम अज़ कम वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, यानी हिस्ट्री जो हमें बताई जा रही है वो वैसी ऑलमोस्ट नहीं जैसे हमें बताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत सी तब्दीलियां होनी चाहिए। इंडिया वालों की अगर बात करें, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं, देखें 1947 की बात करें तो हम और वो एक ही स्टेज पे थे ऑलमोस्ट, मतलब अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, आज वो कहाँ पे चले गए हैं? दुनिया की पांचवी बड़ी इकानमी, हम मतलब दुनिया की शायद दूसरी तीसरी वो इकानमी है जो डिफॉल्ट होने का जिसका अंदेशा दिया जा रहा है, क्या वजह, उनकी पॉलिसीज में क्या फ़र्क है? देखिए जी, अगर तो कर्ज़ा को देखा जाए ना, तो पाकिस्तान इतना मेरा ख्याल मखरूज है कि आसानी से ये कहा ही नहीं जा सकता, कम से कम मैं या मुझसे बात आने वाली कम से कम 7 नस्लें तो तस्वूर ही नहीं कर सकती हैं कि हम कर्जा जो है वो उतार सकें, ये हकीकत है। ठीक है, मतलब मैं आपको एक बात बता, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो इस्लामी नज़रिया है ना उस पे कायम खड़ा है, और मैं समझता हूँ कि हमारे कायदे आज़म के पाकिस्तान को सिंसियर लीडरशिप नहीं मिली। आप अगर भुट्टो को देखें या चंद और चीज़ों को मद्दनज़र देखें, हमारा जो जवाल है वो तभी शुरू हो गया था जब 1971 में बांग्लादेश हमसे दूर हुआ था। उसमें किसकी गलती थी हिस्ट्री के मुताबिक? हमें तो जो हिस्ट्री बताई जाती है वो देखने वालों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आपके ख्याल में हकीकत थी वो या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, अगर आपके पास दो तालिबे इल्म पढ़ रहे हैं और एक स्टूडेंट 7 नंबर गेन करता है और एक स्टूडेंट 10 नंबर हासिल करता है, तो मेरा ख्याल है पहली पोजीशन का 10 नंबर वाले का ही है। ये दे रहे हैं पूरी दुनिया को, हम लोग 22 करोड़ होकर भी यूनाइटेड है तो बड़ी बात है, लेकिन फिर भी उनके मुकाबले में बहुत कम है, तो यूनिटी का मैसेज क्यों नहीं दे पा रहे? हमारे कभी यहाँ पे सिंध का मसला, कभी गिलगित का मसला, कभी बलोचिस्तान का मसला, उनमें क्या ऐसी चीज़ है? असल में उनका एक तो अगर टेक्निकली बात करें ना, तो वो जो स्टेट सिस्टम है उनका वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है कि एक स्टेट का हर स्टेट सिस्टम है, स्टेट लॉ जैसे यूएस में है, ठीक है, वो तो स्टेट लॉ है, दिल्ली का अपनी स्टेट है, मुंबई अपनी स्टेट है, महाराष्ट्र जो अपनी स्टेट है वो, ठीक है, उनके स्टेट लॉज है। यहाँ पे ओवरऑल पंजाब का रूल है, एक ही रूल है, वहाँ कुछ है, किसी इलाके में कुछ है, ठीक है, इसलिए हम लोग इकट्ठे हो सकते ही नहीं है। नहीं, नहीं, ये बात ना करें कि इकट्ठे हो, जनवन बात करेंगे, आप उम्मीद जो है ना, आप उम्मीद कह ले कि वो शम्मा बिल्कुल एंड पे है, ठीक है। आजकल मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग खासतौर पर यूथ यही कह रहे हैं कि अब उम्मीद नहीं रही, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अगर हम ऐसी बात करेंगे तो शायद फिर ऐसा बात है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं आज से 2.5 साल पहले ना, जब मैंने अपनी शुरू की डिग्री वगैरह शुरू की, जो भी लाहौर आया मूव किया, तो मेरा यही रहता था कि आई वांट टू सर्व पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन जब से ये सारे पॉलिटिकल जो लूप होल्स हुए और महंगाई हुई और सारा कुछ हुआ ना, हम माशी तौर पे, माशर्ती तौर पे, इखलाकी तौर पे हर तरह जो है ना वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, वो 70-80% हम खत्म हो चुके हैं। मुकाबला हम हर चीज में करते हैं इंडिया का, हमें ये करवाया जाता है, मतलब कि भाई हम ऐसे कर देंगे, हमारे फौजी ज्यादा ऊंची लंबी टांग उठाते हैं, लेकिन जिन चीज़ों में मुकाबला करना चाहिए, यूनिटी में, प्रोडक्शन में, आईटी की फील्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ में, उन चीज़ों में क्यों नहीं मुकाबला करते? उसके अंदर भाई इंडिया आगे निकल गया तो उसे कह दिया जाता है ये देखो इंडिया की तारीफ कर रहा है। देखिए, हम जो है ना, हम जो बरसगीर के लोग थे वो बेसिकली थे जुनूनी, इमोशनल थे, ठीक है, अब वो जो इमोशनल या जुनूनी पानी सिर्फ पाकिस्तान में रह गया, इंडिया ने खत्म कर लिया है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान जो है वो इसलिए जुनून रही रहेगा, हम 65 की जंग जीते, हम 71 की जंग जीते, लेकिन आपको लगता है कि हम सारी जंग जीते? अब मुझे, मैं ये बात सच बोल दूंगा तो यहाँ पे काला भिगो आ जाएगा, तो असल में बात ये है कि हम सिर्फ जो है ना, जो देखते हैं चीज़ों को, उन्हीं को हम कहते हैं यार ये हमारी अच्छी है। जब तक लास्ट में बस ये बताएं, जब तक हम सच्चाई से दूर भागेंगे, मतलब जो हकीकत है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको लगता है हम ग्रो कर पाएंगे? जब तक हम प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे या उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम ग्रो कर पाएंगे? असल हम जो है ना, एक तो बर्दाश्त का मजा आपके अंदर होना चाहिए, दूसरा जो आपकी अपनी किरदार है, अपनी रवायात है, उनको जिंदा रखना चाहिए। यहाँ पे आप जितना लाहौर है या जो भी इलाका है, यहाँ पे हर बंदा जो आता है वो अपना कल्चर को लेके आता है, मतलब स्ट्राइकी को आता है वो अपना